जी मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे एसोसिएशन मिला GNC के साथ, क्योंकि जब भी मैं फिटनेस में काफ़ी मानता हूँ और अगर मैं कहीं स्टोर पे जाता हूँ तो जो मेन मेरा प्रेफर्ड स्टोर होता है वो GNC है। GNC का मतलब जनरल न्यूट्रिशन सेंटर, सो जहाँ पे मेरे न्यूट्रिशनल नीड्स पूरे होते हैं वो GNC है। तो मैं बहुत खुश और खुशनसीब हूँ कि GNC आज हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में, और मैं GNC का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। सो आई एम हैप्पी। आई थिंक काफ़ी सालों तक रहेगा। पहले तो क्योंकि GNC का जो पेरेंट कंपनी है गार्डियन, गार्डियन में मेरे कुछ इंटरेस्ट भी है। सो आई थिंक आई होप आई रिमेन अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर लाइफ। फिटनेस मंत्र यही कि मैं ना तो शराब पीता हूँ, ना सिगरेट, ना कोई ड्रग्स लिए मैंने लाइफ में, शराब मैंने टच नहीं किया लाइफ में। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबको वही करना चाहिए, लेकिन जो भी आप करें आप लिमिटेशन में करें। लेकिन मैं काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट हूँ फिटनेस के मामले में, अपने डाइट पे। जल्दी सोता हूँ, जल्दी उठता हूँ, हर रोज़ जैसे कोई मंदिर मस्जिद या चर्च जाता है वैसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड आई थिंक वो मेरा फिटनेस का राज है। I think I'll enjoy it personally. The closest I get to fitness is by doing an action film. And next year I'm going to do a full-fledged fantastic action film where you see a lot of the body and you understand where nutrition comes from. But outside of that, I understand your question. I would love to do a movie only on fitness. Based on fitness. I have something in mind. We've been working on it for some time now. Let's hope it comes together and we'll present it to you. Right. Also, Satyamev Jayate ki screening hai aaj. How are you looking forward to the reactions that you're going to after I get out of here, I'm going to find out what's happened. All in all, we've enjoyed making the film and that's most important. Satyamev Jayate, jo gawali hai Bajrangi Bhaijaan ke baad mein, kaafi acha response aa raha hai. Kya kehna chahenge? Ji, yehi ke I think it's a great song, Tajdar-e Haram. And I hope people enjoy it as much as we enjoyed it. आम जिंदगी में लोगों को यही मिसकंसेप्शन है लाइफ में कि फिटनेस के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक दैट्स द केस। आई थिंक यू हैव टू स्पेंड लेस टू बी मोर फिट, क्योंकि जब भी आप तेल शक्कर सब बंद करोगे आपका ही खर्चा नीचे हो जाएगा। एंड आई थिंक यू हैव टू ईट स्मॉलर मील्स 5 times a day। ये सिंपल आपको सबने बताया होगा ये सब करना है, लेकिन क्या हम करते असल ज़िंदगी में? नहीं करते। तो उसको करना चाहिए और कंसिस्टेंट रहना चाहिए, वो सबसे ज़रूरी चीज़ वही है। How you resist yourself from sweets? I don't feel the need for it. I feel अगर आप स्वीट्स खा रहे हो, अगर आप ये सब कर रहे हो, तो आपका माइंड जो है वो काफ़ी वीक है। आपको माइंड को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, और अगर आपको बुरा लग रहा है ये सुन के, तो आप अपने आप को डिसिप्लिन करें। Thank you. Thank you. GNC. I think all their products are fantastic. Thank you guys. Thank you guys.